हजार 21 करोड़ का भाग लीजिए, पता लगेगा कितने एक परिवार को आया। आज मंदिरों में कमान पैसा छिपा हुआ बलवान है। गीता में लिखा हुआ है कि जो धन आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा करता है वो अपराधी। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि धन उतना आवश्यक है जितनी आवश्यकता है, उसी धन ज्यादा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति पापी। पांच लोग हैं, क्यों नहीं यहाँ पर देश के अंदर जो विकास का पैसा लगना चाहिए था तो विकास का पैसा लोगों ने छिपा रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमें बहुजन मुक्ति पार्टी का मकसद है कि देश में जन जागृति और जन आंदोलन होना चाहिए। ये तभी होगा मेरे भाइयों अगर बैठे हो प्रेस विज्ञान कि देश तुम्हारा है। देश के बाहर जाइए तो क्या कहते हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, अत्याचार है, अंधविश्वासी पाखंडी रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ पढ़े लिखे लोगों से और खासतौर से जो हमारे प्रेस मीडिया के लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि देश में अगर बात रही है, देश हमेशा महाशक्ति रहा। आपने देखा होगा किताब पढ़िए, जब यहाँ पर चंद्र पिता जी देश के निर्माता थे, विश्व में उसका नाम अशोक सम्राट का नाम सुना होगा। विश्व में उन्होंने नाम कमाया था, विश्वविद्यालय खोले, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व के लोग पढ़ने आते थे। आपका विश्व गुरु कहलाया, महान शक्ति बना। 66 साल की आजादी के बाद इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों ने देश को बर्बाद किया है, व्यवस्था पिता कार्यपालिका न्यायपालिका ने बर्बाद किया है। मैं आग्रह करता हूँ प्रेस मीडिया से, आइए नए भारत को बनाना है तो सच्चाई के साथ आपको लिखना पड़ेगा।